नमस्कार, आठ का एजेंडा लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आतंकवाद पर भारत का रुख साफ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत लगातार आतंकवाद पर सख्त नजरिया दिखाता रहा है। इस बार मौका था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट का और प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से सामने बैठे पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आतंक के मुद्दे पर नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर अपना नजरिया साफ कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान को भी यह संकेत दे दिया कि बोली और गोली एक साथ नहीं हो सकती। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है और आतंक को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ चुका है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ऐसा ही अंदाज सामने आया। भारत वक्त वक्त पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दिखाता रहा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में है। यहां भारत और पाकिस्तान को एससीओ की पूर्णकालिक सदस्यता दी गई, मगर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना बिल्कुल सटीक और टारगेटेड था। एससीओ के मंच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाकर इस्तेमाल किया और इशारों में पाक पीएम नवाज को भी शराफत की नसीहत दे डाली। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। 16 साल बाद एससीओ का विस्तार हुआ, लिहाजा मौका बड़ा था। इस मौके पर सभी 6 सदस्य देशों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ भी अस्ताना पहुंचे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सभी नेताओं को डिनर पर बुलाया। भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव और कूटनीतिक जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ आमने सामने हुए। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने नवाज से उनकी सेहत के बारे में पूछा और फिर आगे बढ़ गए। मोदी ने नवाज को साफ साफ संकेत भी दे दिया कि सीमा पार से आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। इसके बाद कार्यक्रम में नवाज शरीफ पीएम मोदी के आसपास आने से भी कतराते रहे। एससीओ में पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने भारत के शामिल होने पर बधाई दी, जबकि भारत ने पाकिस्तान को कोई तवज्जो नहीं दी। पीएम मोदी हर बड़े मुद्दे को कूटनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने में माहिर माने जाते हैं और इसलिए वो 2015 में अचानक लाहौर में नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे। यही नहीं, उफा और नेपाल में भी प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच का भरपूर इस्तेमाल किया और इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिया कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमर आगा साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहती हूँ, बोली और गोली साथ साथ नहीं। एक तरह से सबसे पहले तो एक जो व्यवहार होता है, जब कोई मिलता है तो बाकायदा शिष्टाचार के तहत उसके हालचाल पूछा जाता है। प्रधानमंत्री ने वो सारी रस्म अदायगी की, हालचाल जाना, सब चीज़ें पूछी और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये बात इशारों में कह दी कि शराफत के साथ सुधर जाइए वरना जवाब देना हमें भी आता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि भारत एक सभ्य देश है और वो ये जो कर्टेसीज होती हैं उसको हमेशा पूरा करता है। उन दोनों ने उन्हीं ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाया, नवाज शरीफ साहब से उनकी फैमिली के हालचाल पूछे, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि हम बातचीत करना चाहते हैं
बातचीत ही एक ऑप्शन है जिसके जरिए मसले हल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको बातचीत टेरर को बंद करना पड़ेगा। टेरर और बातचीत यानी दहशत बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। जब तक आतंक पर काबू नहीं होगा तब तक कोई मसला आगे नहीं बढ़ेगा। ये मोदी जी जब से आए हैं उन्हीं ने ये इस बात को बार बार दोहराया है। दूसरी तरफ ये भी शो कर दिया है भारत ने कि वो जो है हर तरह से सक्षम है पाकिस्तान से डील करने के लिए। बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर भी काफ़ी सख्ती हो रही है। रोज़ाना इन्फिल्ट्रेटर मारे जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जो कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट हैं उनसे भी बराबर मुठभेड़ हो रही है। और पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी की सरकार ने एक ऑल आउट वॉर जो है वो आतंक के ख़िलाफ़ यहाँ पे छेड़ रखी है। मगर ये भी साथ में है कि अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। इस पे रोक लगाइए, बात के लिए भारत के दरवाजे खुले हुए हैं हमेशा के लिए। अब देखना क्या कि पाकिस्तान का क्या स्टैंड होता है, इसलिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पावर होती नहीं। नवाज शरीफ भले चाहते हों कि बातचीत हो, आगे बढ़े, कुछ उनकी पोजिशन वहाँ पाकिस्तान में स्ट्रेंथन हो, लेकिन यह है कि सर वहाँ पर तो आर्मी सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, वही सब चीज़ डिसाइड करती है, वो तय करती है कितनी बातचीत हो, कितने कब बातचीत करें, कितना करें या ना करें। एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी का कई बार पाकिस्तान सहारा भी ले लेता है। बिल्कुल, और ये चीजें हमें कई बार देखने को मिलती हैं कि आखिर किस तरह से किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है पाकिस्तान किसी मामले को। वहां पर दो चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि सेना जो हमेशा ही हावी होना चाहती है, एक तरह से उसका रूल भी देखने को मिलता है, और इसलिए कई बार चीजें इस तरह से जाती हुई नजर आती हैं कि हाथ से सब कुछ निकल रहा है। पाकिस्तान कई बार इस तरह से भी अपने आप को डिफेंस करता नजर आता है। अब हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी हैं। जेके त्रिपाठी जी, एक बात मुझे बताइए, पाकिस्तान हमेशा किसी भी इंटरनेशनल फोरम में एक बात कहता है, हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम क्या करें? सर ये सब कब तक होता रहेगा? देखिए, ये उनका एक शील्ड है, एक छलावा है, एक पर्दा है जो वो ये कहते हैं, क्योंकि आतंकवाद की शुरुआत जो है दक्षिण एशिया में, क्या बल्कि आप कह दीजिए दक्षिण मध्य एशिया में भी पाकिस्तान से ही हुई है। इसलिए पाकिस्तान का ये कहना कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं ये सरासर झूठ है। आप देखिए, इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बल्कि पूरे एशिया में मैं कहता हूँ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आतंकवादी, वो कहाँ हो रही? पाकिस्तान के आसपास, भारत में हो रही है, वो अफगानिस्तान में हो रही है, वो ईरान में हो रही है। तो ये इसका क्या मतलब है कि ये पाकिस्तान से ही इस सबको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपने को हमेशा आप विक्टिम के तौर पे पेश करता है, जो कि उसके लिए एक छलावा है। और जैसे कि कमर आगा साहब ने कहा, बहुत सही बात उन्होंने कही कि बातचीत ही रास्ता है, क्योंकि देखिए दो देशों के, दो पड़ोसियों के बीच में अगर कोई समस्या होती है तो उसके तीन ही पहलू होते हैं। एक, या तो आप मिलिट्री सोल्यूशन उसका ढूंढिए, साफ साफ आक्रमण कर दीजिए, आप कर दीजिए या वो कर दें, जो कि आज की स्थिति में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि युद्ध जो है वो सरासर इलीगल माना गया है इंटरनेशनल लॉ में। दूसरी चीज़ है कि आप बात करें। बात के भी दो तरीके हैं कि एक तो या आप द्विपक्षीय करें, एक तो या आप किसी मध्यस्थ को बुला के करें। हमने ये माना है कि कश्मीर हमारा है, इसलिए ये समस्या द्विपक्षीय बातचीत से ही हल होगी, मध्यस्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। द्विपक्षीय बातचीत में भी फिर दो पहलू आ जाते हैं। कई लोग जैसे कहते हैं किससे बात की जाए, सेना से या सिविल गवर्नमेंट से, क्योंकि सिविल गवर्नमेंट जो है वो लाचार है, सिविल गवर्नमेंट कमज़ोर है, सेना मजबूत है, तो सेना से क्या बात की जाए। लेकिन सेना यहाँ पे पर्दे के पीछे है, इसलिए सेना से बातचीत का कोई मतलब नहीं निकलता। हालांकि सिविल गवर्नमेंट कमज़ोर है, लेकिन फिर भी रास्ता यही एक बचता है कि सिविल गवर्नमेंट से ही बात की जाए, और धीरे धीरे उनको तनाव से, दबाव से, साम दाम दंड भेद नीति से उनको। बहुत सही बात आपने दबाव की कही। कमर आगा साहब, मैं यही चीज पूछना चाह रही थी, क्योंकि अब SCO में 16 साल बाद विस्तार हुआ है, भारत और पाकिस्तान दोनों को सदस्यता मिल गई है। सवाल यह है कि 6 कंट्रीज की जगह 8 कंट्रीज हो गई हैं। सर, जब हम इस तरीके के फोरम में आते हैं, जब इस तरीके की सदस्यता मिलती है, तो वो एक जगह होती है जहां पर इस तरीके के मुद्दों को उठाया जाता है, और उठाया भी गया। ये कहा गया कि आतंकवाद से सबको मिल करके एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। लेकिन सब
जब एकजुटता की बात आती है, जब कोई एक्शन लेने की बात आती है, तो सर हमेशा ही पाकिस्तान पीछे हट जाता है या फिर इस तरीके की चीजें दिखा देता है कि वो कमजोर है, सेना का नियंत्रण है हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। तो सर ये चीजें बढ़ेंगी कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फोरम सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है आतंकवाद से लड़ने के लिए। उसकी वजह यह है कि ये जितने भी देश हैं, चाहे सेंट्रल एशिया या यूरो एशिया जिसको हम कहते हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और उसके अलावा जितने भी हैं, ये सारे देश, रशिया, ये जितने भी हैं, ये सब आतंकवाद से पीड़ित हैं। और इन सभी देशों में, इधर हिंदुस्तान, इन सभी देशों में आतंकवाद जो पहुंचा है वो पाकिस्तान से पहुंचा है। इन सभी देशों के जो कैंप्स हैं, मिलिटेंट कैंप्स, वो पाकिस्तान में आज भी चल रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि खुद चाइना में जो जिंजियान प्रोविंस है, वहाँ पे भी जो आतंकवाद गया है वो भी यहाँ से गया है। तो ये देश जितने पीड़ित हैं, इतना कोई दूसरे देश पीड़ित नहीं। इस रशिया के अंदर जो पूरा कॉकेशस का रीजन है, जो चेचनिया, दागिस्तान और दूसरे एरियाज जितने हैं, सब जगह जो लड़ाइयाँ चल रही, वो सब के सब जो हैं पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए। मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है और इसका बहुत बड़ा रोल भी है। और अफगानिस्तान इसी क्षेत्र से मिला हुआ है, इसके बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं। मैं समझता हूँ सब किया दायित्व बनता है कि अफगानिस्तान में कम से कम अमन शांति बनाए, और इतना प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ना है आने वाले समय में कि पाकिस्तान जो गतिविधियां कर रहा है इस क्षेत्र में उसको बंद करे। दूसरी बात यह है कि इंडिया के ज्वाइन करने से ये फोरम बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। उसकी वजह यह है कि अभी तक इसके अंदर केवल रशिया और चाइना दो बड़ी पावर्स थे, अब हिंदुस्तान तीसरा बड़ा मुल्क इसमें आ गया है। और ये सभी देश जितने हैं सेंट्रल एशिया के, ये बहुत काफ़ी समय से चाहते थे कि भारत भी आ जाए, ताकि भारत चाइना और रशिया को काउंटर बैलेंस भी कर सके, उनके इन्फ्लुएंस को भी काउंटर बैलेंस कर सके। तो इस वजह से इंडिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे वो लोग। सर, लेकिन एक बात मैं जानना चाहती हूँ, इंडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फोरम भी बहुत बड़ा है, और जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंप्स हैं जो पाकिस्तान से ही ऑर्गेनाइज होते हैं और वहीं से ट्रेंड होकर के आतंकवादी दूसरे मुल्कों में जाते हैं। सर, ये सबको पता है, लेकिन ऐसे में कितना दबाव ये सारी कंट्रीज मिलकर के पाकिस्तान को बना पाएंगे कि कम से कम उन कैंप्स को लेकर के संजीदगी बढ़ती जाए, उस कैंप्स को लेकर के गंभीरता बढ़ती जाए और कोई एक बड़ा एक्शन लिया जाए, उन कैंप्स को वहां से ऑपरेट वो ना हो सके, इसको लेकर के कोई एक पहल की जाए। सर, इसको लेकर कितना दबाव बना पाएंगे ये सारी कंट्रीज? मैं समझता हूं कि समय आ गया है। अब ये है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको रोकना। उसके लिए, उसकी वजह ये है कि एक अभी तक इंटरनेशनल कोलिशन था जो वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है, आज भी उसके ट्रूप है नेटो और वहाँ पे, लेकिन कई एक चीज़ें हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये जो गठबंधन बना है, इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि एक यूनाइटेड फ्रंट इस टाइप का बनाने की। इसीलिए इंडिया को लाया भी गया है कि एक यूनाइटेड फ्रंट हो, आतंकवाद के नाम पे बने, और फिर उसके बाद इस क्षेत्र को कम से कम सिक्योर कर लिया जाए यहाँ से वहाँ तक। तो आने वाले समय में इंडिया को ज्वाइन करने के बाद आप देखिएगा कि बड़ा चेंज मुझको नज़र आता है। इंडिया एक बड़ा पावर भी है और रशिया भी काफ़ी इच्छुक है कि ये आतंकवाद बंद होना चाहिए। फिर उसके अलावा ये सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं, ये भी काफ़ी परेशान हैं, इनको भी काफ़ी चिंता है क्योंकि लगातार आतंकवाद इनके यहाँ से आ रहा है। आने वाले समय में पाकिस्तान पे और प्रेशर बढ़ेगा और फिर ये, लेकिन ये तभी संभव होगा, ये सभी देश मिलके एक बार दोबारा से अफगानिस्तान को कि जो सेना है उसको दोबारा से उसको सक्षम बना दें कि वो खुद लड़ सके, उसकी निर्भरता बने। उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको नए इक्विपमेंट की ज़रूरत है, और साथ में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इतना दबाव बना दिया जाए कि पाकिस्तान इन कैंप्स को जो सपोर्ट देता है वो बंद किया जाए। दूसरी तरफ ये कि अमेरिका के भी रिश्ते पाकिस्तान से लगातार बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से चाइनीज इंटरेस्ट को इस पूरे क्षेत्र में प्रमोट कर रहा है, उसकी वजह से उसकी भी दूरी बढ़ती जा रही है। तो वहाँ से भी प्रेशर आने वाले समय में और बढ़ेगा। ये पाकिस्तान की जो ये नीति है, ये चल नहीं सकती बहुत समय तक, इसलिए कि ये जितने भी देश हैं, या इसके अलावा जो सर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीति तो चल नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वो चल रही है। जेके त्रिपाठी जी, मैं यही समझना चाहते हैं, क्या हम ये समझे कि क्योंकि जब हम आतंकवाद से निपटने की बात करते हैं तो दरअसल स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है कई बार, पाकिस्तान की तो हमेशा ही चेंज होती रही है सर, लेकिन चाइना को लेकर भी कई बार कहा जाता है कि ड्रैगन का सपोर्ट हो रहा है और ड्रैगन इन्हीं चीज़ों का फायदा उठाना चाहता है। तो सर, अगर इस तरीके के फायदे उठाने की कोशिश होगी तो फिर हम आतंकवाद से कैसे लड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से तो इस संगठन में SCO में आने से
फ़र्क थोड़ा सा पड़ेगा, जैसा कि कमर आगा साहब कह रहे हैं, क्योंकि जितना ही बड़ा जो संगठन होता है देखा जाए उसमें निर्णय करना उतना ही मुश्किल हो जाता है और मुद्दे अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं। ये छोटा संगठन है, कुछ ही देशों का है, लेकिन आप एक चीज़ न भूलिए कि ये देश दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करता है और इसमें कुछ ही देश हैं। और जैसा कि कमर भाई ने बताया कि अब सारे देश पाकिस्तान को छोड़ कर के सारे देश ऐसे हैं जो आतंकवाद से पीड़ित हैं किसी न किसी तरह से। अगर और पाकिस्तान, हमारे हिसाब से पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित नहीं है, पाकिस्तान से ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज़ है कि अगर पाकिस्तान की हम ये बात मान भी लें कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है, तब तो ये और भी अच्छा है कि सारे देश संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवाद से पीड़ित हैं। इसलिए आतंकवाद ही पहला सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए जिसमें सब देशों का की सहमति बनाई जाए, और यहाँ पे हम पाकिस्तान को मजबूर कर सकते हैं सभी देशों के साथ मिलके कि पाकिस्तान भी इसके लिए कुछ करे, कुछ ऐसे कर दिखाए जिससे ये पता लगे कि हाँ पाकिस्तान इस दिशा में सीरियसली सोच रहा है। अगर नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान घिर जाएगा। जैसे आपने देखा सार्क में, सार्क समिट काठमांडू में जो होने वाली थी उस पर पाकिस्तान को घेर लिया गया था इसी चीज़ पर, और यहाँ भी ये इसकी संभावना है। हालाँकि जैसा कि आपने कहा कि चीन का रुख देखने लायक होगा कि चीन इसको कैसे लेता है, इतने छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चीन अपना पक्ष कैसे रखता है। चीन भी हालांकि इससे पीड़ित है, चीन के पश्चिमी प्रांत में यहीं से आतंकवादी जाते हैं, तो वो चीज़ ये देखने की होगी। लेकिन फिर भी हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। बिल्कुल सर, ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, और इस दौरान हम अगर देखें तो दूरियों के मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, चाहे फिर वो जाधव का मामला हो, लगातार सीज फायर का मामला हो, या कश्मीर में फंडिंग का मामला हो। ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि गोली और बोली साथ साथ नहीं हो सकती। एक स्ट्रांग मैसेज प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस फोरम के जरिए दिया है। कमर आगा साहब, एक बात बताइए, जब हम आज ऐसा नहीं है कि इस फोरम में आकर के आतंकवाद का मुद्दा उठा हुआ है, चलिए दोनों कंट्रीज को सदस्यता मिली है, लेकिन सर इस तरीके के जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसमें वक्त वक्त पे आतंकवाद को लेकर के आवाज़ उठती रही है, बहुत फोरम में भारत और पाकिस्तान साथ में भी है सर, लेकिन उस तरह का दबाव क्यों नहीं बन पाता? हम जब एक कड़ाई के साथ आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान, बाकी भी कंट्रीज जो है उनके साथ इन्वॉल्व होकर वो दबाव क्यों नहीं बना पाते कि एक सख्त एक्शन पाकिस्तान ले पाए? ये बातें वहीं तक सीमित होकर क्यों रह जाती हैं? क्यों नहीं उस तरीके का एक प्रेशर क्रिएट हो पाता है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक पाकिस्तान को अमेरिका बचा लेता था, और अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट था, उनकी निर्भरता थी अफगानिस्तान पे, उनकी सारी मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान से होती थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। दूसरी बात यह है कि उनकी दूरी भी बढ़ती जा रही है। मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। जब तक के पाकिस्तान के ऊपर रिगरस इकोनॉमिक मिलिट्री सैंक्शंस नहीं लगेंगे तब तक मैं समझता हूँ उसकी पॉलिसी में चेंज नहीं आएगा। एक तरफ तो उसको ज़रूरत है, तो हम लोग को अमेरिका को भी इस बात को कन्विंस करने पड़ेगी। अब अमेरिका इस बात को करने लगा है, उसने एड में कमी की है। अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि सैंक्शंस अगर नहीं, देखिए पाकिस्तान का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, वो उसी तरह से उसको चाइना से जो $50 बिलियन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है वो उनके साथ जाने के पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। और अमेरिका ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि चाइनीज इन्फ्लुएंस पर्शियन गल्फ में या सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान को प्रमोट करे। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेप अमेरिका का सैंक्शंस होगा, जो अगले 6 महीने 1 साल के अंदर हमको नजर आएगा। दूसरी बात ये कि क्षेत्रीय ये जो सम्मेलन है जिसमें इंडिया ने अभी भागीदारी ली है, इसके अंदर इसकी अलग स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ अगले 6 या 8 महीने के अंदर सामने आएगी खुल के, और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में काफ़ी और दबाव पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि मिडिल ईस्ट के भी बहुत से देश चिंतित हैं पाकिस्तान के आतंकवाद से, उनकी तरफ से भी। तो ये आने वाला समय जो है 1 साल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया काफी एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे संबंध सभी देशों के साथ है, एक तरफ अमेरिका से तो दूसरी तरफ
बिल्कुल, और इंडिया जिस तरह से मैसेज दे रहा है वो भी यही बता रहा है कि सुधर जाओ वरना हमें भी जवाब देना आता है। और एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कल, जिस तरह से अलग थलग पाकिस्तान पड़ता हुआ नजर आया, एक बड़े मामले को उठाया और ये कहा कि गोली और बोली साथ साथ नहीं हो सकती, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। सर, उम्मीदें बहुत हैं इस फोरम के जरिए कि हो सकता है पाकिस्तान पर वो प्रेशर बनाया जा सके और हो सकता है स्ट्रैटेजी में बदलाव आए। अब देखना है कि क्या कुछ वक्त तय करता है और किस हिसाब से पाकिस्तान वाकई में बदलता है या नहीं बदलता या फिर से अपने आप को वो विक्टिम ही बताता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल बहुत अहम सवाल है कि आतंकवाद से कड़ाई से निपटने के लिए हर बार भारत आगे आता है लेकिन पाकिस्तान हर फोरम पे आके यही बताता है कि हम तो खुद विक्टिम है। कब तक इस तरह से फेस सेविंग होती रहेगी, क्योंकि भारत ने भी कह दिया है कड़ाई से जवाब देना हमें भी आता है। आज के एजेंडे में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।